हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसमें आज हम हीरो की दो बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक रहने वाला है फ्रेंड्स हीरो पैशन प्रो 110 BS6 मॉडल और दूसरा रहने वाला है फ्रेंड्स हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 मॉडल। तो दोनों ही बाइक्स फ्रेंड्स अब BS6 मॉडल में आ चुकी है, तो आज हम इन दोनों बाइक्स का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख लें, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इन दोनों बाइक्स को लेकर, तो आपके जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग की। तो दोनों ही बाइक्स फ्रेंड्स आपको दो वेरियंट्स में देखने को मिल जाएगी, एक ड्रम और एक डिस्क। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो की पैशन प्रो की प्राइस की। तो पैशन प्रो जो है वो फ्रेंड्स आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी। डिस्क वेरिएंट जो है इसका वो आपको 82,000 रुपीस के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाएगा, और जिसका ड्रम वेरिएंट है वो आपको 80,000 रुपीस के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सुपर स्प्लेंडर की, तो ये भी आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। तो इसका जो डिस्क वेरिएंट है वो आपको 87,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा, और इसका जो ड्रम वेरिएंट है वो आपको 83,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो दोनों बाइक्स में आपको प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 3-5,000 का ही डिफरेंस आता है, बट दोनों का जो इंजन है उसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी बाइक किस पर्पस के लिए रहेगी और कौन सी बाइक किसके लिए अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, आपके जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको हम बाइक का सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं कि एग्जॉस्ट नोट क्या है बाइक का। तो आप इधर आइए, जैसे कि देख सकते हैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट, बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट नोट से बाइक काफी रिफाइन हो चुका है पहले से, क्योंकि इसमें BS6 इंजन आ गया है। अब आपको इसका मीटर कंसोल के बारे में बताते हैं कि मीटर कंसोल में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर कंसोल में आपको यहाँ पर इंजन मन फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, और इसका जो i3s का जो स्विच है वो आपको मीटर में ही देखने को मिल जाएगा, और आप इसे यहाँ से डायरेक्ट प्रेस भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि ये है आपका i3s का, आपको यहीं पे इनबिल्ट स्विच देखने को मिल जाएगा। तो और बाकी सारा जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्प्लेंडर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट इसमें आपको मीटर में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, ये किलो डिस्टेंस कितना आपके बाइक अभी तक चला है वो देखने को मिल जाता है, और ये आपका स्पीड मीटर है, यहाँ पे न्यूट्रल का आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और ट्रिप मीटर भी आपको इसमें मिल जाता है। तो जैसे कि ये है, इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो हैंडल बार में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पास स्विच, ये आपका हाई डिपर लो डिपर हो गया, ये आपका इंडिकेटर स्विच हो गया, ये आपको हॉर्न मिल जाता है, बाइक में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, और इस साइड में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 मॉडल। तो फ्रेंड्स, इसका कंपनी ने BS6 मॉडल लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और फ्रेंड्स इसका इंजन है वो आपको 125 cc का देखने को मिलता है। मैंने बात करते हैं मीटर कंसोल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मीटर कंसोल देख सकते हैं, मीटर कंसोल भी आपको सेम पहले वाला ही देखने को मिलता है, इसमें भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आपको एक इंजन माल फंक्शन लाइट न्यू कंपनी ने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स फुल्ली एनालॉग आपको मीटर कंसोल देखने को मिलता है, इसमें डिजिटल का कहीं पे भी कोई यूज नहीं है, और आपको यहाँ पे i3s का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंपनी इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच ऑफर करती है, और यहाँ पे आपको सेम पहले के जैसे यहाँ पे हाई बीम और लो बीम का आपको स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पास लाइट का स्विच और ये इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको किक देखने को मिल जाता है, और सेम आपको यहाँ पे कैथलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सारी BS6 बाइक्स में भी देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं इसके साइलेंसर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट के डिजाइन में भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम आपको पहले वाले एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। तो कंपनी ने इसका स्पीकरिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रो लिखा हुआ है वो काफी अच्छा देखने को लग रहा है, और इसमें आपको येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। कंपनी इसमें टोटल 3 कलर्स लॉन्च किए हैं, येलो ग्रे और रेड और ग्रे और ब्लू और ग्रे, ये 3 का कॉम्बिनेशन कंपनी ने इसमें लॉन्च किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको किक भी देखने को मिल जाता है, ये भी एक काफी अच्छा बात है, BS6 है उसके बाद भी इसमें आपको किक देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं और इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लेग गार्ड है इसको भी काफी स्पोर्टी लुक कंपनी ने दिया है, इसका लेग गार्ड का भी जो लुक है उसे कंपनी ने चेंज कर दिया है, काफी स्पोर्टी लुक इसको दिया है। तो अब हम आगे और बात करते हैं इसके फ्रंट के डिजाइन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे हीरो का 3D लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि पहले आपको प्लेन सा लोगो मिलता था वो कंपनी ने इस पर 3D लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसका लाइट के बारे में बात करते हैं, तो इसका लाइट का भी जो डिजाइन है उसे भी कंपनी ने पूरी तरह से चेंज कर दिया है, इसमें आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलता है, LED नहीं मिलता है,
ये जो आपको जो लुक है इसको चेंज कर दिया गया। अब हम आगे का बात करते हैं जिसमें आपको IBS भी देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो IBS से क्या होता है कि इसमें आप अगर बैक का अगर ब्रेक दबाते हैं तो कुछ पार्ट फ्रंट ब्रेक का भी आपका अप्लाई हो जाता है, जो कि काफी अच्छा बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि पहले इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता था, बट हीरो ने इसे ऐड कर दिया, इसे हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IBS का ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंजन है, तो इंजन में आपको पहले कार्बोरेटर देखने को मिलता था, बट आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 9.2 bhp का एट द रेट 7000 rpm का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.79 nm का एट द रेट 5000 rpm का। तो जो इसका जो पावर है वो भी पहले से इंक्रीज हो गया और बाइक भी काफी रिफाइन हो गई है, तो आपको माइलेज भी पहले से ज्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा BS4 के कंपेरिजन में। तो अगर आपकी बाइक पहले 60 का माइलेज देती थी तो आपको इसमें 70 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है फ्रंट में, जिसमें कि अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बैक ब्रेक का भी कुछ पार्ट उसमें यूज हो जाता है। फ्रंट में फ्रेंड्स इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके इंजन, आपको सेम पहले वाला इंजन देखने को मिलता है, बस इसको बेसिक्स कंप्लीट कर दिया गया है। और इसमें आपको अब आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, पहले इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिलता था। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें फ्रंट में। फ्रंट में इसमें फ्रेंड्स आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं 80/100 का। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसके रेयर के टायर का, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेयर में, रेयर में भी फ्रेंड्स आपको MRF के ही टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं इसका सीट का, तो पहले से फ्रेंड्स इसका जो सीट है वो आपको थोड़ा लॉक कर दिया है कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि RTO की तरफ से कंपलसरी है इंडिया में, ये देना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको पीछे में आपको जो नॉर्मल जो पहले आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलता था वही सस्पेंशन आपको अभी भी देखने को मिल रहा है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं इसके बैक के डिजाइन को, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका LED जो है पीछे का जो लाइट है उसे LED कर दिया गया है, पहले आपको ये हैलोजन देखने को मिलता था बट आपको LED मिल रहा है अब, जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को पीछे से। ये आपको देख के लगेगा नहीं पीछे से कि ये 110 cc की बाइक पार हो रही है, तो इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफी अच्छा रहने वाला है इस बाइक का। तो अब हम आ जाते हैं इस साइड में, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो साइलेंसर का जो डिजाइन है उसको भी कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें ब्लैक कलर का देखने को मिलता है ऊपर से गार्ड, जो कि बाइक को काफी अच्छा लुक दे रहा है। तो लुक वाइज भी बाइक बहुत अच्छी हो गई है। अब बात करते हैं इसके रेयर लुक का, अब बात करते हैं फ्रेंड इसके रेयर लुक का, तो रेयर से भी आप देख सकते हैं आपको रेयर से भी कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें थोड़ा सा ग्राफिक्स में ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस साइड का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंपनी साड़ी गार्ड ऑफर करती है, जो कि अभी आपको सारी बेसिक बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स रेयर में आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, पहले वाला ही सेम सस्पेंशन मिलता है, और इसमें कंपनी आपको कवर चेन ऑफर करती है, जिससे कि जो इसका मेंटेनेंस है वो काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें आपको जो ग्रैब रेल्स है वो भी आपको बॉडी कलर ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपको 3D लोगो देखने को मिल जाता है, पहले आपको यहाँ पे 3D लोगो कंपनी नहीं ऑफर करती थी, हीरो का अब आपको इसमें 3D लोगो देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसका हाइट का, जो सीट हाइट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको बैठ करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है मेरा पैर इजिली अट जा रहा है दोनों साइड से। तो अगर आपका हाइट अगर 5 feet 4 inches है, और अगर आपका हाइट 5 feet 2 inches भी है, तो आप इसे इजीली चला सकते हैं, बाइक काफी लाइट वेट है तो आपको चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं बाइक का लुक भी काफी अच्छा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में, तो ये रहा फ्रेंड्स दोनों बाइक के बीच में डिफरेंस। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो गए, अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह गया हो फ्रेंड्स तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी बाइक किसके लिए अच्छी रहेगी, तो फ्रेंड्स अगर आपको एक लो बजट में अच्छी बाइक चाहिए तो आप पैशन प्रो के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, तो दोनों ही बाइक फ्रेंड्स वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब बात करते हैं अगर आपको हाईवे पर ज्यादा राइडिंग करना रहता है, हाईवे वगैरह आपको ज्यादा जाना आना करना रहता है, तो आप सुपर स्प्लेंडर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 125 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, तो वो आपको हाईवे राइडिंग में ज्यादा अच्छा आपको एक ग्रिप प्रोवाइड करेगी और ज्यादा अच्छा आपको पिकअप प्रोवाइड करेगी। और बात करते हैं माइलेज के लिए, तो अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए तो आप पैशन प्रो के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें 110 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। तो ये रहा दोनों बाइक के बीच में फुल डिफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जितना हो सके उतना शेयर करें जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, फेसबुक व्हाट्सएप। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।